Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने मोबाइल में क्रोम के अंदर कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करते हुए उस वेबसाइट के पूरे पेज को एज ए PDF सेव कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले लेके अपना गैलरी फुल कर दिए हैं तो आपको ये आगे से नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और इस पर मैं आ जाऊँ। आपको जो भी वेबसाइट विजिट करनी है आप उसको विजिट करिएगा, मैं अपने ही वेबसाइट बनाई है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने अपनी ही वेबसाइट ओपन कर ली है। मैं इस वेबसाइट को आपको एज ए PDF सेव करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको दोस्तों सिंपल स्टेप फॉलो करना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको इधर ये जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, शेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इसमें ढूंढना है कि प्रिंट कहाँ लिखा है। मेरे केस में देखिए यहाँ पे प्रिंट लिख के आ रहा है। आप में हो सकता है कि यहाँ पे या फिर इसको इधर स्क्रॉल करने पे आपको कहीं इधर मिल जाए, ठीक है। तो आपको इधर से कहीं भी ये प्रिंट वाला ऑप्शन ढूंढना है, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ पर कि ये वेबसाइट आपको जो है कैसी दिखने वाली है PDF में। ये देखिए इसका PDF फॉर्म कुछ इस तरह दिखेगा, आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, एकदम ठीक ठीक से आ रहा है। अगर आप इसका जो सेटिंग्स वो बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऊपर से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको देखिए, इसका लेआउट पोर्ट्रेट से आप लैंडस्केप कर सकते हैं और जो इसका पेपर साइज है यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जैसे मुझको अगर A4 आप जनरली कर सकते हैं अपने लिए, मैं इसको A4 कर दे रहा हूँ। तो A4 के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी जो हम लोग दुकान पर जाके प्रिंट आउट निकालते हैं वो A4 साइज के पेपर पर होता है। तो आपको इसको A4 करके इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेव PDF पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ रहा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से अगर ऑल प्रिंटर है तो यहाँ से आपको सेव एज PDF पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा होगा तो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपको इस फाइल को सेव कहाँ करना है। तो अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट फोल्डर है ये डाउनलोड्स डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप नाम दे सकते हैं, हालांकि इसने मेरा जो चैनल का नाम है वहीं ले लिया है जो साइट का नाम है। तो इसको आपको सिंपली सेव पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो आपको इस तरह से इसको सेव करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो हमने वेबसाइट का ये PDF फॉर्म सेव किया है वो गया कहाँ है। तो उसके लिए मैं अपना सबसे पहले ये जो फाइल मैनेजर है इसको ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले आप मेन स्टोरेज में जाएंगे, इसके बाद आपका जो डाउनलोड फोल्डर है जहां आप जितनी भी चीज़ें डाउनलोड करते हैं वो यहीं जाती हैं। तो इसमें आने के बाद देखिए यहाँ पर आपने जो भी PDF का नाम रखा होगा उस नाम से आपको सर्च कर लेना है। मेरे केस में ये ऊपर ही है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तब जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों देखिए ये PDF हमारा ओपन हो गया है, हमारी पूरी की पूरी साइट और ये जो हमारा कंटेंट था इस PDF में आ गया है। एकदम सिंपल स्टेप है दोस्तों, आप 2 मिनट में ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके जाइए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।